असलकुम एंड वेलकम टू माई चैनल आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग का डिस्कस करेंगे सो so, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है सो so, मैं पहले आपको इसका बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट दे दूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स ये होता है कि बहुत ही क्रिटिकल वे में या डिफ़िकल्ट वे में आप चीज़ों को देखते हैं आप क्रिटिकली सोचते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं ठीक है आप बहुत ज़्यादा उसको सोचते समझते हैं कि और क्वेश्चन रेज करते हैं ठीक है एक तो होते हैं ना कि हम ना चाहते कुछ सोचते हैं ये तो हमारी थिंकिंग में आ जाता है लेकिन जब हम कोई क्वेश्चन रेज करते हैं कि यार मैंने ये काम किया था तो मैंने क्यों किया था इसकी वजह क्या थी इसके इम्पैक्ट्स uh, देखते हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखते हैं सो so, ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग सो अब हम उसकी इम्पॉर्टेंस की तरफ चलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना हमारी लाइफ में इसकी क्या वैल्यू है क्या थिंकिंग import, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये हम डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग इज़ यूनिवर्सल इट मीन्स दैट नो मैटर वट पाथ और प्रोफेशन यू परस्यू दिस स्किल्स विल ऑलवेज भी रेलिवेंट एंड विल ऑलवेज भी बेनिफिशल टू योर सक्सेस दे आर नॉट स्पेसिफिक टू एनी फील्ड अब इसका ये मतलब है कि आप किसी भी फील्ड में या कोई भी आपका प्रोफेशन हो अगर आप बिजनेस में हैं या अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है तो उसमें भी आपको जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग आपको करनी पड़ती है ठीक है अब जैसे आप बिजनेस में हैं तो वहाँ भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी इसलिए इसे यूनिवर्सल कहा जाता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है क्रूशियल फॉर द इकॉनमी और फ्यूचर डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड इनोवेशन क्रिटिकल थिंकिंग इज नीडेड For our fast-growing economies to solve problems as quickly and as effectively as possible, आजकल देखा जाए कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग उस पर डिपेंडेंट हैं ठीक है हमारा जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहा है न्यू आइडियाज़ हमारे माइंड में किस तरह से आते हैं जब हम किसी चीज़ को बहुत डीपली सोचते हैं ना तभी न्यू आइडियाज़ जो है ना वो हमारे माइंड में आते हैं इन शॉर्ट क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से आते हैं बिज़नेस चलाना कोई आम बात नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल चाहिए होती है इसके लिए तब भी वो अपना बिज़नेस चला सकेंगे इस तरह हमारी इकोनॉमी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है जब हम किसी चीज़ को बहुत डीपली सोचते हैं आइडियाज़ गन करते हैं सोचेंगे समझेंगे फिर ही आइडियाज़ आएंगे ना फिर हम उस आइडियाज़ को सक्सेसफुल बनाएंगे इस तरह हमारा जो बिज़नेस है ना वो बहुत अच्छा चलता है और हमारी जो इकानमी है ना वो इस तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इस तरह हमें बहुत से फ़ायदे मिलेंगे इसके लिए ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट इम्प्रूवस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स क्रिटिकल थिंकिंग आल्सो मींस नोइंग हाउ टू ब्रेक डाउन टेक्स्ट एंड इन टर्न इंप्रूव ओवर एबिलिटी टू कॉम्प्रीह अब हम कुछ भी बोलते हैं कुछ भी करते हैं हमारे एक्शंस ये सब हम खुद को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ठीक है अब जहाँ तक प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात है ना प्रेजेंटेशन स्किल्स हमारी कैसे इंप्रूव होती हैं ओबियसली क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से इंप्रूव होती हैं हम उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को किस तरह से करते हैं ये तो हम सोचते समझते हैं फिर ही जा जाके कुछ करते हैं ना सो so, ये था हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल्स नेक्स्ट है प्रोमोट्स क्रिएटिविटी बाय प्रैक्टिसिंग क्रिटिकल थिंकिंग वी आर अलोइंग ओवर सेल्व नॉट ओनली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो कम अप विद न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज टू डू सो क्रिटिकल थिंकिंग एज टू एनालाइज दिस आइडियाज एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली अब देखिए हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होगी हमारी कोई प्रॉब्लम होगी हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम पहले उसको देखेंगे सोचेंगे समझेंगे उसका एनालाइज़ करेंगे फिर ही जाके हम उसे सॉल्व करेंगे ना सो ना तो ये हमारी आ, सिर्फ हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है बल्कि हमें इससे न्यू आइडियाज़ भी गेन होते हैं कि यार ठीक है इसका ये परसपेक्टिव था तो मतलब कि हम उसके सारे परस्पेक्टिव्स देखते हैं सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं इससे हमारे माइंड में न्यू आइडियाज़ आते हैं सो so, इस तरह से ये हमारी जो है ना क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन क्रिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड अस विद द टूल्स टू इवेल्युएट आवर सेल्फ इन द वे दैट वी आर नीडिड टू देखिए अब अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे तो मीन्स हम लोग जो है ना वो मीनिंगफुल uh, लाइफ जो है ना वो नहीं गुजारे ठीक है हमें अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए चीज़ों को बहुत ही डीपली देखना पड़ता है कि हम एक्चुअली हम लोग हैं क्या हमें अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए ना क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है जिसकी वजह से हम अपने आप को पहचान पाते हैं कि हम क्या हैं इसके लिए हम हमें चीज़ों को हर तरह से देखना पड़ता है डीपली हर तरह से हमें देखना पड़ता है इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सो so ये था हमारा बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अगर आपका इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा शुक्रिया